हेलो दोस्त, स्वागत है आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल सुधीर ब्लॉग्स में। गाइज, इस वीडियो में आज हम बताएंगे कि अपने मोबाइल से आप YouTube के लिए प्रोफेशनल लोगो कैसे क्रिएट कर सकते हैं। बिल्कुल आसान प्रोसेस है गाइज, सिर्फ शुरू से अंत तक ध्यान से आपको देखना है इस वीडियो को। इस वीडियो में हमने सारा प्रोसेस बता रखा है कि कैसे आप प्रोफेशनल लोगो क्रिएट कर सकते हैं। प्रोफेशनल लोगो क्रिएट करने के लिए गाइज हम पिक्सल लैब एप्लीकेशन को आज यूज में लाने वाले हैं। अगर आपके मोबाइल में इंस्टॉल नहीं है पहले से, तो गाइज इसको प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिएगा, नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम इसका लिंक दे देंगे, आप वहां से जाके इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। चलते हैं बिना किसी देर के मोबाइल के स्क्रीन पे। गाइज सबसे पहले पिक्सल लैब एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद गाइज यहाँ न्यू टेक्स्ट जो लिखा हुआ आ रहा है उसको करेंगे क्या, डिलीट वाले बटन पे की करके प्रेस करके इसको डिलीट कर देंगे। यहाँ डिलीट कर देंगे। अब नीचे में टेक्स्ट का ऑप्शन है गाइज, यहाँ इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ उसके बाद गाइज क्लिक करेंगे, यहाँ क्लिक करके न्यू टेक्स्ट आएगा। यहाँ से एडिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और इसको एडिट डिलीट करके यहाँ अपने चैनल का सबसे फर्स्ट नाम जो है गाइज, नाम का वर्ड उसको पहले यहाँ टाइप करना है कैपिटल लेटर में। उसके बाद यहाँ से डन करेंगे, फिर यहाँ ओके करेंगे, इसका साइज बड़ा कर लेंगे, फुल कर लेंगे। अब स्टाइल में जाएंगे गाइज, बी स्टाइल जो है यहाँ पे, इसमें जाएंगे और इसको बोल्ड कर देंगे। उसके बाद गाइज इसको कॉपी करेंगे और इसको एडिट कर देंगे अभी जो कॉपी किए हैं, और चैनल का जो सेकंड नेम है उसका फर्स्ट वर्ड टाइप करेंगे। यहाँ ब्लॉग जो लिखते हैं तो ब्लॉग में बी होता है, तो इस तरह से बी या भी जो भी देते हैं आप टाइप करके इसको भी ओके यहाँ से कर देंगे। अब गाइज इस दोनों को हम करेंगे क्या, यहाँ प्रेस करके इस ऑप्शन पे जाके इसको हम मर्ज करेंगे। अब यहाँ प्रेस करेंगे, उसके बाद यहाँ, अब इस दोनों को यहाँ टिक करेंगे गाइज, यहाँ जो है इस ऑप्शन में टिक करके इस दोनों ऑप्शन पर इसको मर्ज कर लेंगे इस तरह से। फिर उसके बाद यहाँ प्रेस करेंगे इस पर, ये मर्ज हो जाएगा। उसके बाद गाइज यहां से इसको इस तरह से कर देना है, फिर इसको हम कॉपी करेंगे गाइज। पहले इसका कलर चेंज कर लेते हैं, कलर हम बैक कलर रखेंगे। उसके बाद यहां से इसको कॉपी करेंगे, पहले इसको रिलेटिव पोजीशन पर कर लेते हैं गाइज इस तरह से। अब यहां से कॉपी करेंगे और इसको भी रिलेटिव पोजीशन पर ले आएंगे। अब दोनों एक जैसा लग रहा है। अब क्या करेंगे गाइज, यहाँ प्लस का आइकन जो है बना हुआ, यहाँ यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ से शेप जो लिखा हुआ है गाइज, यहाँ इस शेप वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और शेप, इस शेप को हम लेने वाले हैं अभी इस वीडियो में, इस शेप को लेंगे और इसको जूम कर लेंगे कुछ इस तरह से। अब इसी को कॉपी करेंगे गाइज और यहां लाके इस तरह से रख देंगे। अब क्या करेंगे गाइज, यहां फिर से मर्ज वाले सेम प्रोसेस है, इससे पहले हम बता रखे हैं। यहाँ इस मर्ज वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद एक बार इसको और एक बार इसको, इस दोनों को मर्ज करेंगे। फिर दूसरा बार जो मर्ज करेंगे गाइज, इसको और इसको मर्ज करेंगे, यहाँ क्लिक करेंगे, एक बार इसको और इसको मर्ज कर देते हैं, फिर दोबारा में
इसको और इसको मर्ज कर देंगे। उसके बाद गैज यहाँ इरेजर कलर पर जाएंगे, यहाँ इस पर जाएंगे और यहाँ से इनेबल कर देंगे। फिर दूसरे वाले को सेलेक्ट करेंगे और उसी इरेजर पर क्लिक करके इनेबल कर देंगे। ये कुछ इस तरह से हो गया। अब क्या करेंगे गैज, इसको थोड़ा पोजीशन पर क्लिक करके हटा लेंगे इस तरह से। हटा लेंगे, उसके बाद यहां से ओके करेंगे। अब फिर से प्लस वाले आइकन पर जाएंगे, यहां यहां क्लिक करके गैज शेप लेंगे और इस शेप का कलर हम ब्लैक रख लेंगे, ब्लैक रख लेंगे। और यहां एस पर कुछ इस तरह से ले जाके छोटा करके इसको छोड़ देंगे। फिर यहां से टिक कर देंगे, फिर प्लस पर जाएंगे, फिर शेप लेंगे, फिर इस शेप का भी कलर ब्लैक करेंगे और छोटा करके भी पर छोड़ देंगे। इस तरह से यहां से ओके कर देंगे, फिर से इस ऑप्शन पर जाएंगे, उसके बाद एक बार यहां क्लिक करेंगे, यहां क्लिक करेंगे, उसके बाद एक बार इसको और एक बार इसको सिलेक्ट करेंगे। फिर दोबारा में इसको और इसको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद गैज इसको यहाँ इस कोना में ले आएंगे ऊपर वाले को, और नीचे वाले को ऊपर कॉर्नर में ले जाके इस तरह से रख देंगे। फिर से प्लस वाला आइकन पर क्लिक करेंगे, सेव पर क्लिक करेंगे और इसका कलर फिर ब्लैक करेंगे और ये भी पर ले जाके फिर से छोड़ देंगे। यहाँ से ओके कर देंगे। अब इसको पहले मर्ज कर लेंगे नीचे, इसको और इसको मर्ज कर लेंगे। सेम प्रोसेस गैज नीचे वाले के साथ भी करना है। प्लस वाला आइकन पर क्लिक करेंगे, सेव पर क्लिक करेंगे और इसका कलर ब्लैक कर लेंगे। यहां से ओके कर देंगे और फिर वैसा ही इसको भी जैसे यहां क्लिक करेंगे और इस दोनों को मर्ज कर देंगे। अब गाइस यहां क्लिक करके इसको पोजीशन पर, रिलेटिव पोजीशन पर क्लिक करके इस तरह से कर देंगे और इसको भी रिलेटिव पोजीशन पर क्लिक करके इस तरह से करके कर लेंगे। अब गाइस क्या करेंगे, पहले एस को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ टेक्सचर पर जाएंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे, उसके बाद जो भी कलर आप उस पर लगाना चाहते हैं गाइस वो कलर यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। अभी हम फिलहाल इस कलर को लगाएंगे वहाँ, इस कलर को, तो यहाँ इस पर क्लिक कर देंगे और भी पर अब सिलेक्ट करेंगे। सेम प्रोसेस है गाइस, फिर यहाँ टेक्सचर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, फिर गाइस यहाँ क्लिक करेंगे,
उसके बाद फिर गैलरी में चला जाएगा ये, और फिर एक कोई कलर सेलेक्ट कर लेंगे। इस कलर को गाइस हम सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे क्लिक कर देंगे यहाँ से। अब गाइस इस दोनों को हम मर्ज करेंगे। मर्ज करने के लिए इससे पहले हम बताए हैं सेम प्रोसेस, पहले यहाँ क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ क्लिक करेंगे यहाँ, उसके बाद गाइस इस दोनों को इस तरह से टिक कर देंगे, कुछ इस तरह से करके टिक कर देंगे। फिर यहाँ सेलेक्ट करेंगे, ये मर्ज हो जाएगा। अब यहाँ से इसको ऐसे करके गाइस करेंगे क्या, 3D शेप को ऑन कर देंगे, इनेबल कर देंगे। ये लगभग बन के रेडी हो गया गाइस। इसको रोटेशन हल्का अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यहां से ओके कर देंगे। अब इसके बैकग्राउंड के लिए गाइस एक शेप PNG हम लेके आएंगे गैलरी से, उसके लिए यहां से भी इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यहां इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और फ्रॉम गैलरी पर क्लिक करेंगे यहां, यहां पे इस बैकग्राउंड को गाइज हम ले जाएंगे, यहां से ओके कर देंगे। अब इसको गाइज रिलेटिव पोजीशन में इसको कर लेंगे फिर से। यहां से ओके कर देंगे। अब गाइज इसको चारों तरफ बाउंड्री चाहिए, अगर बाउंड्री करना चाहते हैं आप तो उसके लिए गैज प्लस वाला आइकन पर क्लिक कीजिएगा, शेप पर क्लिक कीजिएगा और इसको भी आप सर्कल टैप पर कर सकते हैं इस तरह से, या यहाँ से शेप ही सर्कल ले लीजिए और इसको कुछ जूम इस तरह से कर लीजिए। यहाँ से ओपिसिटी जो लिखा हुआ है गैज इसको जीरो कर लेना है और यहाँ से स्ट्रोक बढ़ा देना है अपने हिसाब से। स्ट्रोक का कलर देने के लिए गैज नीचे में स्ट्रोक लिखा है, आप जो भी कलर आप अपने हिसाब से दे सकते हैं। हम फिलहाल उजला कलर यहां रखने वाले, यहां से ओके कर देंगे। अब गाइज इस पर करेंगे क्या, फिर टेक्सचर पर जाएंगे, यहां इस पर जाएंगे, यहां क्लिक करके गाइज उसके बाद यहां क्लिक करेंगे, उसके बाद यहां से फिर एक कलर लेके चलाएंगे। इस कलर को हम ले जा रहे हैं गाइस, यहां से ओके कर देंगे। अब गाइस इसको भी 3D में इनेबल कर देंगे, 3D शेप में, और इसका डिप्थ जो है गाइस थोड़ा 7 से घटा के कम कर लेंगे। दो तीन पर रख लेंगे, ये रेडी बन के रेडी हो गया गाइज। अब क्या करेंगे, प्लस वाला आइकन पर क्लिक करेंगे, फिर शेप पर क्लिक करेंगे और शेप को अंदर लेके चल जाएंगे, यहाँ टिक कर देंगे, उसके बाद फिर गाइज यहाँ पर क्लिक करेंगे और इसको मर्ज कर देंगे गाइज, इसको और इसको मर्ज कर देंगे, यहां क्लिक करके।
ये बन के रेडी हो गया गैज। अब इसको डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, यहाँ सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद सेव एज इमेज नीचे में लिखा हुआ है गैज, यहाँ यहाँ क्लिक करना है। फिर यहाँ डिफॉल्ट में जाना है और अल्ट्रा पर करके सेव टू गैलरी पर क्लिक कर लेना है यहाँ पर। तो इस वीडियो में गाइस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।